हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो आपके जो अपनी रियल एनालिसिस का जो अपना यूनिट फर्स्ट चल रहा था उसके लिए कनेक्टेडनेस के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पीछे के जो वीडियोज़ थे उसमें अपन ने कॉम्पैक्टनेस के बारे में पढ़ा था कि कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, तो कॉम्पैक्टनेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्पैक्टनेस में अपना क्या रहता है, कोई भी सेट लेते हैं उस सेट का अपने को एक फाइनाइट सेट लेके उसका क्या लेके लेना होता है, एक ओपन कवर डिफाइन करते हैं और उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर अपन डिफाइन करते हैं। तो ये अपना क्या होता है, अगर उसका फाइनाइट सब कवर उसके अंदर अगर कंटेन होता है तब तो वो क्या कहलाता है, कॉम्पैक्टनेस की प्रॉपर्टी कहलाती है। इसकी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्पैक्टनेस पे, हैने बोरेल थ्योरम, उसको भी मैं करवाऊंगी। आप ऐसा मत सोचना मैम ने इसको स्किप कर दिया है, तो उसको अपन जब अपनी क्लासेस होगी ऑफलाइन क्लासेस उसके अंदर अपन देखेंगे, क्योंकि उसका जो थोड़ा है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो के थ्रू नहीं समझ पाएंगे। तो उसको अपन जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस होगी उसमें देखेंगे, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगी। तो अपन यहाँ पे आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना कनेक्टेडनेस के बारे में रहेगा। ये कनेक्टेडनेस जो होती है वो कोई भी सेट्स में किसी भी सेट में कनेक्टेडनेस को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसको अपन आज यहाँ पर देखेंगे। तो कनेक्टेडनेस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपने को कोई भी दो सेट लेने होते हैं और उन सेट के बीच के अंदर अपने को उस सेट के लिए कोई भी दो ओपन सबसेट यहाँ पर अपने को डिफाइन करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर अपन कनेक्टेडनेस की डेफिनेशन को देखना चाहें तो कनेक्टेडनेस अपन जानते हैं ये सभी अपन रियल एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं, तो जो भी डिफाइन होगा वो सभी अपने रियल नंबर्स पे डिफाइन होगा। तो रियल नंबर्स पे अपन क्या करेंगे, कनेक्टेडनेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय, का एक समुच्चय S, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का क्या करना है, एक समुच्चय अपने को डिफाइन करना है S, ठीक है। वो अपना क्या कहलाएगा, एक कनेक्टेड, एक संबद्ध यानी कनेक्टेड सेट कहलाता है, कनेक्टेड समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है यदि यदि इसमें अपन क्या लेंगे, दो इन रियल नंबर्स के कोई दो अपने सेट लेते हैं, R के कोई दो असंयुक्त विवर्त समुच्चय लेते हैं। R यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, अपन रियल नंबर को दिखा रहे हैं, R में दो असंयुक्त, असंयुक्त से मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट वहाँ पर डिफाइन नहीं होना चाहिए। असंयुक्त जो है, असंयुक्त समुच्चय ए और बी, ए और बी इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो, विद्यमान हो कि, यहाँ पे अपना किस तरीके से डिफाइन होगा, आर जो है वो एस जो है वो इसका क्या होगा, इस प्रकार विद्यमान हो कि एस जो है वो सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। एस जो है वो किसका सबसेट होना चाहिए, ए यूनियन बी का, और एस इंटरसेक्शन ए जो है वो नॉट इक्वल फाई होना चाहिए, और एस इंटरसेक्शन बी भी है वो भी क्या होना चाहिए, अपना नॉट इक्वल फाई होना चाहिए। यानी जब अगर जब अपन एस का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो भी अपना फाई नहीं आना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, और एस का जब अपन बी के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी अपना फाई नहीं आना चाहिए, इन द सेंस वो भी अपना एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, यानी इनके अंदर इनके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए। जबकि ये यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कैसा होगा, अपना फाई होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है असंयुक्त समुच्चय लिया है मैंने, कैसा लिया है असंयुक्त, यानी ये बीच में से इनके अंदर कोई भी अपना कॉमन फैक्टर जो है वो डिफाइन यहाँ पर नहीं हो रखा है। आर जो है, आर में जो अपने ये दो समुच्चय लिए हैं ए और बी, वो कैसे समुच्चय हैं अपने, असंयुक्त समुच्चय है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो अगर एस इन दोनों के यूनियन का सबसेट है, यहाँ पे ये देखना आप एस किसका सबसेट है, इसके यूनियन का सबसेट है, ठीक है। और एस का जब अपन इनके अलग अलग के साथ में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो क्या आता है अपना फाई नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल फाई आना चाहिए, तब जो अपना ये एस होगा वो क्या कहलाएगा, अपना कनेक्टेड समुच्चय यानी कनेक्टेड सेट यहाँ पर कहलाएगा। और ये जो सेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, कनेक्टेडनेस कहते हैं, कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्ट सेट के कॉम्पैक्टनेस के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस है वो दोनों ही अपने जो रियल नंबर पर डिफाइन किए जाते हैं। और इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कनेक्टेडनेस के अंदर अपने को क्या होने चाहिए, जो दो अपन यहाँ पे इसके एस एक समुच्चय ले रहे हैं, उन जो एस जो है वो उन दोनों का यूनियन का क्या होना चाहिए, अपना सबसेट होना चाहिए। और उनका जो इंडिविजुअली जो अपना ए और बी के साथ में जो इसका इंटरसेक्शन रहता है वो नॉट इक्वल फाई आए, नॉट इक्वल टू जीरो आए। और इनका खुद का जो इंटरसेक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए, अपना फाई आना चाहिए, तब अपना ये जो एस होगा वो कनेक्टेडनेस होगा। और ये जो प्रॉपर्टी होगी समुच्चय की, समुच्चय के इस गुणधर्म को यानी इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे अपन, इस गुणधर्म को संबद्धता कहेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा वो सेट तो क्या होगा, अपना कनेक्टेड सेट होगा। और ये जो प्रॉपर्टी होगी वो अपनी क्या होगी, कनेक्टेडनेस करके यहाँ पे डिफाइन की जाती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे अपन देखेंगे कि, और इसके अलावा जो समुच्चय अपना संबद्ध समुच्चय नहीं होता है वो कैसा कहलाता है, अपना असंबद्ध समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इनके अलावा आर के अंदर ए और बी का मतलब एस जो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो सब तो क्या कहलाएंगे, अपने कनेक्टेड सेट कहलाएंगे। और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो नॉन कनेक्टेड यानी असंबद्ध समुच्चय यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। ये जो मैं आपको डेफिनेशंस यहाँ पे डिफाइन करती हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो आप उनको नोट भी कीजिएगा और साथ साथ में लर्न भी कीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको देखेंगे कनेक्टेडनेस के लिए कुछ एग्जांपल्स है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होते हैं, उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एस जो लिया है वो यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे एस जो है वे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एस जो लिया है मैंने, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है अपना एक्स, ठीक है। और एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, एक्स जो है वो जीरो से बड़ा और बराबर है, और वन से भी, वन से छोटा और बराबर है। इस तरीके से क्या डिफाइन कर रखा है अपन ने, एस को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। एक समुद्र समुच्चय लिए है और आर के दो अपने विवृत यानी ओपन उप समुच्चय, ए इसके कोई भी ऐसा विद्यमान नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई भी ऐसा विद्यमान नहीं है जिसके लिए क्या हो, एस यूनियन हो, सॉरी एस सबसेट हो ए यूनियन बी का, और एस इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल्स टू फाई, और एस इंटरसेक्शन बी भी नॉट इक्वल्स टू फाई, ठीक है। ये विद्यमान नहीं है, ए और बी ऐसा कोई भी विद्यमान नहीं है जिसके लिए क्या है अपना ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो एस जो होगा वो अपना कनेक्टेडनेस होगा, ठीक है। तो एस क्या होगा, एक संबद्ध समुच्चय होगा, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स है उनको भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, देखिए एस जो है वो मैं इस तरीके से ले हूं कि एक्स बिलोंग्स टू आर
और जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो क्या है मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा मेरा वन से है फोर, वन से बड़ा है और फोर से क्या है छोटा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ए जो होगा वो क्या डिफाइन होगा, ए होगा वो यहाँ पे होगा माइनस टू माइनस वन, ठीक है। एक तो ये सेट ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन सेट, और एक जो बी होगा वो क्या होगा वन और टू। जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर को तो अपने यही वैल्यूज आएगी वन और टू, ए और बी, ठीक है। तो एस जो है वो सबसेट नहीं है किसका, ए यूनियन बी का, एस यहाँ पे सबसेट नहीं होगा इसका ए यूनियन बी का। और एस इंटरसेक्शन ए भी नॉट इक्वल फाई है और एस इंटरसेक्शन बी भी क्या है नॉट इक्वल फाई है। तो इस कंडीशन में जो अपना एस होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपन जो कनेक्टेड सेट हो जाएगा, एस एक संबद्ध समुच्चय होगा, ठीक है। यहाँ पे ए और बी कोई भी ऐसा विद्यमान नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये चीज़ हो कि एस सबसेट हो जाए ए यूनियन बी का। अगर ए और बी इस तरीके से विद्यमान हो जाते हैं कि ए और बी एस जो है वो सबसेट हो जाता है ए यूनियन बी का, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा नॉन कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे असंबद्ध समुच्चय हो जाएगा। तो ये थी अपनी कनेक्टेडनेस की प्रॉपर्टी के बारे में। आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आप इस प्रॉपर्टी को देखिएगा समझिएगा, और कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।